तो बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर नीति को मंजूरी के लिए यहाँ पर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और हरियाणा की तरफ से यहाँ पर तैयारी की गई है तबादला नीति। तबादला नीति यहाँ पर जारी हो चुकी है और इसमें बताया गया कि शिक्षक तबादला नीति को कार्मिक की हरी झंडी यहाँ पर मिल चुकी है और 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा तबादला प्रक्रिया। तो 1 जनवरी से शुरू होगा, इसके लिए बताया गया कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच तबादले के आदेश जारी हो जाएंगे और भविष्य में यहाँ पर जो है रिक्त होने वाले यहाँ पर पदों पर होगा प्रमोशन तबादले की नीति। तो भविष्य में जितने भी रिक्त होंगे उस पर जो है प्रमोशन और तबादले नीति होंगी, इसके लिए बताया गया है। और 8 सब जोन होंगे, जहाँ पर देख सकते हैं 8 सब जोन में बांटा गया है इसके लिए तबादले को लेकर, और 3 जोन में बांटा जाएगा राज्य को। तो 3 जोनों में यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं और इसमें 3 जो अलग अलग जोन है उसमें रखा जाएगा। इसमें कहा गया कि पहाड़ के लिए दुर्गम क्षेत्र के श्रेणी में रखा जाएगा और वहीं उत्तरकाशी चमोली ऐसे अलग अलग के रखे जाएंगे। और वहीं यहाँ पर योजना उत्तराखंड में 232 जो PMC स्कूल हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पर 232 जो स्कूल हैं वो नए बनने वाले हैं, इसके लिए यहाँ PMC स्कूल को यहाँ पर जो मान्यता मिलेगी। और यहाँ पर राज्य में जो शैक्षिक सत्र यहाँ जो है जो तेजी से लागू करने को लेकर यहाँ PMC क्लस्टर स्कूलों पर जो काम शुरू कर दिया जाएगा और अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अटल स्कूलों में जो है रिक्त पदों के जो शिक्षक हैं वो भरने की बात कही गई है और जितने भी पद खाली हैं उनको भरने की बात यहाँ पर कहा गया है। अब बदल सकती है उत्तराखंड में शिक्षा की सूरत, तो शिक्षा की सूरत जो है उत्तराखंड में अब बदल सकती है और बताया गया कि यहाँ पर जो है जितने पद रिक्त हैं उनको भरने की बात भी कही गई है। और वहीं यहाँ पर महंगी किताबों को लेकर जो है यहाँ पर 256 स्कूल और यहाँ पर दुकानों पर छापा। तो यहाँ पर गोपनीय तरीके से चलाया गया अभियान और कहा गया कि 22 स्कूलों को किया गया नोटिस जारी। तो 22 स्कूलों को नोटिस जारी कराया है और यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर कितने कितने छापेमारी हो रखी है, वो लिस्ट पूरी जारी करी है कौन कौन से स्कूलों में। तो लगभग नियंत्रण में जो है 49 स्कूलों में यहाँ पर छापा मारा गया है। और विद्यालय में अतिरिक्त और महंगी किताबें लगाने खरीदने के दबाव बनाने की यहाँ पर शिकायत पर जो है विद्यालयों का जो है अचल निरीक्षण किया गया और कुछ विद्यालय में शिकायत सही पाई गई और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। और 21 स्कूलों को जो है नैनीताल में छापेमारी के बाद जो है नोटिस दिया गया। तो 21 स्कूलों में नैनीताल में यहाँ पर छापेमारी के बाद नोटिस जारी कराया है। 11 को प्रवेश्सव, तो यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में 11 को प्रवेश्सव होने वाले हैं और शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट के लिए पैसे, शिक्षकों को टैबलेट के पैसे भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बताया गया मदरसों का सर्वे करेगी प्रदेश सरकार, तो मदरसों का सर्वे करने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर एक बैच में नियुक्त पेंशन अलग अलग, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विशिष्ट BTC का प्रशिक्षण ले चुके बेसिक जूनियर शिक्षकों ने जो सरकार से पुरानी पेंशन की योजना में शामिल करने की मांग उठाई है। और इनका कहना है कि विज्ञप्ति 2004 में जो निकाली गई थी उसकी नियुक्ति में जो शिक्षकों के लगभग 1475 को दे से यहाँ पर नियुक्ति के कारण पुरानी पेंशन नहीं मिल पाई थी, इसी वजह से यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है। एक ही बैच के थे लेकिन अलग अलग पेंशन इनको मिलने वाली है, तो मिल रही है अभी तक का, तो इस वजह से यहाँ पर जो है पेंशन लगाने की बात कही गई है सेम। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों की फीस हर साल होगी तय, तो हर साल जो है तय कर दी जाएगी और वर्तमान व्यवस्था है बेहद धीमी बताया गया है। और यहाँ पर फीस निर्धारण की प्रक्रिया जो है समयबद्ध किया जाएगा अब यहाँ पर विश्वविद्यालय में भी। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं अटैचमेंट खत्म हुआ तो खाली हो जाएंगे पहाड़ों के स्कूल। तो अटैचमेंट अगर हुआ तो पहाड़ों के स्कूल यहाँ पे खाली हो जाएंगे क्योंकि अब सारे स्कूल जो है अटैचमेंट होने की बात करी गई है, क्योंकि बहुत कम छात्र संख्या होने की वजह से कई जगह पर अटैचमेंट करने की बात अब यहाँ पर करी जा रही है। इसमें बताया गया कि प्राथमिक स्कूल एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पर चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर 60 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है पठन पाठन सुचारू बनाने के लेकर जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखे गए हैं। और वहीं यहाँ पर अटैचमेंट के खिलाफ यहाँ पर कुछ शिक्षक जो है संगठन में से भी यहाँ पर आपत्ति जताई गई है। तो यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है शिक्षक विहीन जो यहाँ पर प्राथमिक है उच्च प्राथमिक है वो लोग देख सकते हैं, उखलकांडा में देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक में यहाँ पर देख सकते 6, और यहाँ पर स्थिति देखते हैं इनकी स्थिति किस तरह का है। और यहाँ पर एकल शिक्षक जो है प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एकल शिक्षक है और यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, ठीक है। तो इन जगहों पर जो स्कूल है ही नहीं और RTI लागू होने से यहाँ पर जो है RTI लागू होने से यहाँ पर जो है अब तक का जो है ब्यौरा तलब। तो यहाँ पर जो है समग्र शिक्षा के राष्ट्रीय परियोजना निर्देशक वंशधर तिवारी ने सभी जिलों से यहाँ पर जो है शिक्षा के अधिकारी के RTI अधिनियम की जानकारी तलब की है। और वहीं यहाँ पर वेतन
तक रोकने के दिए निर्देश। तो यहाँ पर देखते हैं दिसंबर 2022 तक सीओ नैनीताल ने एक आदेश जारी करा है। इसमें अस्थायी शिक्षण कार्य व्यवस्था में लगाई गई, यहाँ पर शिक्षक उनके मूल विद्यालय वापस भेजने के भी आदेश जारी करे हैं। और वहीं बात करें डॉक्टर का जो है इलाज में यहाँ वो हो जाएगा उपयोग। तो यहाँ पर देख सकते डॉक्टरों का इलाज में होगा ज़्यादा उपयोग बताया गया है। और शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है पृथक ढांचा, तो यहाँ पर देख सकते शिक्षा विभाग में अकादमिक और प्रशासनिक ढांचा जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर देख सकते अलग अलग बनने की बात कही है। और जहाँ शिक्षण का मूल कार्य शिक्षकों का है, और वहीं प्रशासनिक कार्यों में जो है उप शिक्षा अधिकारी से लेकर जो है निर्देशालय स्तर तक है अलग ढांचा यहाँ पर बताया गया है। और शिक्षकों के 706 ग्रेड पे का यहाँ पर जो प्रधानाचार्य का और सर्वोच्च पद यहाँ पर होता है बताया गया है। और महंगी किताबों पर जो है स्कूल में छापा, तो यहाँ पर देख सकते महंगी किताबों पर लेकर स्कूलों में छापा मार दिया गया है। और कई स्कूलों पर यहाँ पर नोटिस भी जारी करा है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में जो है 3D शवों से यहाँ पर होगी पढ़ाई। तो राज्य के मेडिकल कॉलेज में अब 3D शवों से यहाँ पर जो है मेडिकल की पढ़ाई करी जाएगी। और 256 स्कूल में छापे मारी, और इसमें 22 को नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और महंगी किताब को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। बात करते हैं उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते शिकंजा कोचिंग सेंटर संचालक जो है समेत 2 लोग गिरफ्तार। वन आरक्षी परीक्षा में जो है सैंत का भंडाफोड़, तो यहाँ पर देख सकते कि वन आरक्षी परीक्षा में भंडाफोड़ हो चुके हैं। और यहाँ पर पेपर से ठीक पहले यहाँ पर 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और 15 अभ्यर्थियों से यहाँ पर जो है किया था सौदा, तो 15 अभ्यर्थियों से सौदा किया था। और 4-4 लाख रुपये जो है प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से यहाँ जो है डील की गई थी। तो 15 अभ्यर्थी जिनमें 4-4 लाख रुपये के हिसाब से यहाँ पर इनसे डील करी गई थी। और कहा गया था कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में नकल के लिए ब्लूटूथ डिवाइस भी यहाँ पर दे दिए थे। तो कई लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस भी दे दिए गए थे। और एसटीएम जो है इन अभ्यर्थियों को क्या चिन्हित, तो अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर देख सकते कि पुत्र प्रदीप पुत्र जो है बाबूराम निवासी नारसन का था, अभिषेक पुत्र अमलेश कुमार जो कि यहाँ पर जो है थाना मैंगलोर यहाँ पर जो है का था, और यहाँ पर अंकुश जो कि आनंद निवासी जो कि यहाँ पर रायसी थाना लक्षर ये हरिद्वार के सारे सारे हरिद्वार के थे। और यहाँ पर बताया गया कि नकल माफिया तंत्र पर जो है प्रहार जारी है, और जो भी परीक्षाओं में अपवित्र करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। और मुखबिर तंत्र को भी यहाँ जो है मजबूत किया गया है। इसमें हम जो है उसी का जो है परिणाम है कि हम जो है नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर लेगा पुष्कर धाम में। तो यहाँ पर देखिए सीएम ने यहाँ पर इसके लिए बयान जारी करे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि हरिद्वार और यहाँ पर उसके यहाँ पर जो हरिद्वार में था उनके कुछ साथी जो सहायक प्रोफेसर रचित पुंडीर निवासी जो है खंजरपुर कुटुरकी को गिरफ्तार किया गया है। और मुकेश सैनी और यहाँ पर जो रचित पुंजी को नकल कराने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ अभ्यर्थियों से यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एडवांस लिए गए थे। और कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है नकल कराने के लिए डिवाइस जो ब्लूटूथ डिवाइस थे वो बांटे गए थे। और आरोपी के खिलाफ यहाँ पर जो है मैंगलोर थाना संबंधित धारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर रचित हरिद्वार के एक कॉलेज में यहाँ पर सहायक प्रोफेसर है, तो यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर बताया गया है। और वो भी यहाँ जो है वन आरक्षी का पेपर के दौरान जो है सैनी को भेजने के आरोपी में जो है जेल जा चुका था पहले भी, और ये पहले भी हो चुका है, ये पहले वाले भी हैं कई लोग। यहाँ पर देख सकते हैं वन आरक्षी भर्ती की परीक्षा में जो है पहले यहाँ पर नकल के रैकेट का पर्दाफाश, और आयोग को जानकारी नहीं। तो आयोग को जो है पुलिस कार्रवाई के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं, परीक्षा अपने तय समय पर होगी। तो आयोग को कोई भी जानकारी नहीं है, परीक्षा अपने समय पर ही कर दी जाएगी। और यहाँ पर आयोग कोई भी चेंजेस नहीं करेगा पेपर में, और नहीं होने देंगे अन्याय। तो यहाँ पर देख सकते हमने कहा अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है नकल विहीन कराना जो हमारा लक्ष्य है, इस तरह का यहाँ पर सीएम ने कही है। रचित का था पेपर लीक कराने का जिम्मा, तो यहाँ पर देख सकते रचित पेपर लीक कराने का जो जिम्मा था वो रचित का था बताया गया है। मुकेश सैनी और यहाँ पर रचित पुंडी 2020 में वन आरक्षी भर्ती में जो यहाँ पर नकल करा चुके हैं। और रचित अक्सर क्षेत्र में जो है प्राइवेट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है, तो ड्यूटी लगती रहती है उसकी परीक्षा में, और इस बार भी हम जो है ड्यूटी लगनी थी। और रचित परीक्षा केंद्र से हमें प्रश्न पत्र की जो है फोटो खींच कर मुकेश सैनी को भेजनी थी। तो फोटो जो है पेपर के फोटो भेजने का उसको भेजना था, और पेपर हल करने के बाद जो है ब्लूटूथ डिवाइस से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को नकल करानी कराई जानी थी। इस तरह की यहाँ पूरी पूरी प्लानिंग चली हुई थी। 15 अभ्यर्थियों से यहाँ जो है 4-4 लाख रुपये यहाँ पर सौदा हुआ था 15 अभ्यर्थियों से। और इस तरह का यहाँ पर मामला आया है जो कि यहाँ पर पहले ही पकड़ लिया गया है इनको।
और वहीं यहाँ पर आयोग की समूह को भर्ती कैलेंडर पर लगा ब्रेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा कैलेंडर जो है कि हिसाब से नहीं हो पा रही है परीक्षाएं और जल्द आ सकता है मानचित्रकार चित्रकार भर्ती। तो यहाँ पर मानचित्रकार जो भर्ती हैं वो जल्दी यहाँ पर आ सकती हैं और ये भर्तियाँ जो नहीं निकल पाई हैं जो कि आप लोग देखते हैं चारा सहायक क्या है, इसमें पशुपालन कृषि के लगभग 463 पद थे और उपनिरीक्षक आपका 221 पद थे। आपके जनरली मान आया था नहीं आया था, प्रवर पर्यवेक्षक था 434 पद, इसका भी नहीं आया था। मानचित्रकार पर आपका 60 पदों की भर्ती थी, ये भी नहीं आया था, लेकिन ये अब आ सकता है वापस क्योंकि यहाँ पर इसका वापस यहाँ पर भेज दिया गया है, आयोग ने बताया गया है और इन पदों पर भर्ती यहाँ पे हो सकती है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल कोल फील्ड में 330 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं 200 रुपये का शुल्क देकर। आईटीबीपी में 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर कर सकता है आवेदन। और MPESB 1946 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 15 जुलाई से। ठीक है, तो ये आपका है, सॉरी, इसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं और 15 जुलाई से इसका पेपर होना है। ठीक है, और वहीं 500 रुपये शुल्क देकर वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है और इन पदों पर भी पोस्ट निकाल के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।